बढ़ेंगे आगे। राजस्थान प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्रियों के साथ साथ अब विधायक भी एक्शन मोड में आ गए हैं। सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा ने निगम मुख्यालय पर सिविल लाइन जोन के अधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक में महापौर मुनेश गुर्जर के साथ हेरिटेज निगम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सिविल लाइन में सफाई, अतिक्रमण, विद्युत लाइन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विधायक ने बैठक में कचरे के ढेर लगे फोटो वीडियो दिखाकर अधिकारियों को स्वच्छता और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज के आसपास शराब की दुकान हटाने के भी दिशा निर्देश जारी किए। ये निश्चिंत रहें, न तो एक पैसे की मांग की जाएगी और न कोई गलत काम के लिए कहा जाएगा। ये सड़कें गंगा का रूप है, इसके ऊपर कोई भी अतिक्रमण करे उसको सहन नहीं करना। इन पे नगर निगम के अंतर्गत मांस की दुकानें आती हैं तो वो भी 22 तारीख को बंद रहेंगे। मैंने कहा एक को देख करके दूसरा अतिक्रमण करता है तो जब अतिक्रमण ही हट जाएगा तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। हम सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं देखते हुए इसको सामाजिक समस्या के आधार पर देखते हैं कि जयपुर जैसे शहर में अगर अतिक्रमण होने लग जाएगा तो दुनिया के सामने कैसे कहेंगे कि हम जयपुर के रहने वाले हैं। अस्थाई है उसे हटाया जाएगा। अभी भी हमारा विशेष सफाई पखवाड़ा चल रहा है जिसमें अतिक्रमण भी हटता है, सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। ये कंटिन्यू रहेगा और मुझे लगता है कि रोड जो है बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए, जहाँ पर आम आदमी को ट्रैफिक जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। इसीलिए जितना भी अस्थाई अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा और जहाँ पर लोगों के पास लाइसेंस है कहीं ना कहीं निगम से जो मिले हुए हैं तो उनको एक ही रो में लाइनअप किया जाएगा जिससे आम आदमी को परेशानी। देखिए जिनके पास लाइसेंस नहीं है उसको सीज किया जाएगा और निश्चित तौर पर हमारा ये पखवाड़ा सफाई का है, उसमें सफाई में सभी चीज़ें आती हैं, चाहे हमारे मांस की दुकानें हो, चाहे अवैध अतिक्रमण हो, जिनके पास भी लाइसेंस नहीं है उन सबको निगम की तरफ से जब्त किया जाएगा और सीज किया जाएगा। मैम ये जगह जगह खुला कचरा डिपोज जो है, हम तो हमारे तरफ से हुपर्स भेजते हैं, वार्ड वाइज हमारे 3 हुपर्स हैं और लेकिन कहीं ना कहीं आम जन जो अपना घर का कचरा बाहर डालते हैं, मैं उन सब से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगी, जयपुर की बेटी होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते, कि आप अपने डस्टबिन का कचरा हुपर में डालिए ताकि वो आपके बाहर चौराहे पे तिराहे पे ना दिखे और इससे हमारी समस्या तो हल होगी, आपकी भी समस्या हल होगी क्योंकि आपका अपना जयपुर शहर है जो साफ़ और स्वच्छ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे।